1,14,000 वार्ड सचिव को आपने हटा दिया, क्यों रोजगार नहीं? उसके बाद बिहार में खाद की किल्लत, MSP कानून नहीं, वो लेके रहेंगे लड़ाई आर पार की। चाहिए लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। लड़ाई पूरे बिहार में चक्का जाम है, पीछे करिए ना। और ये तो अभी अंगराई है, आप जिस तरीके से नौकरी खत्म कर रहे हैं वार्ड सचिवों को, और किसानों के साथ जो दुर्गति है, और ये दोनों भाई कभी जाति जनगणना का नंगा खेल, कभी सपोर्ट देंगे कभी मर जाएंगे नहीं देंगे, ये उम्मीद नहीं किया जा सकता विपक्ष से। वो विपक्ष बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको न तो विशेष राज चाहिए न जाति जनगणना चाहिए। ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है, इसके एक एक वर्कर मरने जीने को। सर, शिक्षा में हजारों की बहाली पड़ी हुई है, बहाली नहीं हो रही, हर बार नियोजन बढ़ जाता है। सर, मैं वही रोजगार की बात तो कर रहा हूँ। यही बात कर रहे थे तो आप जेल में थे 6 महीने, फिर से आप सड़क पे हैं, डर नहीं लग रहा है? सर, लगातार तो पहले कह दिया, बकवास बात है जी। चुनाव में कोरोना नहीं है, रैली में कोरोना नहीं है, 5 राज्यों में कोरोना नहीं है, इधर सामने देखिएगा, दिन में कोरोना नहीं है, रात में कोरोना पोस्टिंग हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है, उसको कहीं नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में है, ना पंजाब में है, ना उत्तराखंड में है जी। तो कोरोना रात में होती है, दिन में नहीं होता है कोरोना। देश में 1,00,000 से ज्यादा आंकड़े आ गए हैं, वो बकवास है। सर, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले पर, कोरोना से मृतक परिवार का पोस्टमार्टम जब तक नहीं होता है तब तक हम उसको कोरोना से मरे हुए इंसान नहीं समझेंगे जी। पहले